हेलो एवरीवन, सैफ छोटी बहू चैनल में स्वागत करते हैं। आज बनाएंगे सूजी की ऐसी रेसिपी जिसमें ना ही हम खोया डालेंगे, ना ही मावा, ना ही कंडेंस मिल्क, ना ही मिल्क पाउडर। बहुत ही झटपट, एकदम सॉफ्ट, मुलायम, मुंह में घुल जाने वाली ये रेसिपी बनने वाली है, जो कि बहुत ही कम सामान में, कम समय में एकदम झटपट बनाकर तैयार कर पाएंगे। तो चलिए इस रेसिपी को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 कप भर कर सूजी ली है, ये बारीक वाली सूजी है। मिठाई बनाने के लिए मोटी सूजी नहीं लेनी है, बारीक सूजी लेनी है। 1 बड़ा चम्मच घी लिया है हमने। यहाँ पर घी भी हमें बिल्कुल थोड़ा सा लेना है, ज़्यादा घी में ये मिठाई नहीं बनानी है, क्योंकि जब मिठाई को हम फ्रिज में रखेंगे तो घी जम जाएगा, इसलिए इसमें थोड़े ही घी का प्रयोग करें। लगातार चलाते हुए सूजी को रोस्ट करना है। यहाँ पर हमने 1/2 लीटर दूध लिया है। 1 कप हमने यहाँ पर चाशनी ली है, ये देखिए। हमने यहाँ पर 1 कप दूध निकाल लेना है मिठाई बनाने के लिए। हमने यहाँ पर भरकर दूध लिया है। अब जो चाशनी हमने ली है, चाशनी को हमने पहले से बना कर लिया है। इसमें 2 कप चीनी, 1/2 कप पानी डालकर हमने इसकी बिना तार वाली चाशनी बना कर ली है। अब ये देखिए, हमारी सूजी अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी है। जो हमने चाशनी बना कर ली है, सूजी में डाल देंगे। यहाँ पर हमने कोई तार वाली चाशनी नहीं बनाई है, तो वो हम आपको बता ही चुके हैं। अब जो हमने दूध लिया है, दूध को भी हमें सूजी में अच्छे से मिक्स करते हुए चलाते रहना है। इस टाइम हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखना है। जिस तरह से हम हलवा बनाते हैं उसी तरह से हमें सूजी को उतना इसमें दूध या चाशनी डालनी है, जितना कि सूजी हमारी अच्छे से फूल सके उतना ही इसमें पानी ऐड करना है। ज़्यादा हमें इसमें दूध या पानी कुछ भी नहीं डालना है। देखिए, डो हमारा ठीक होने लगा है, तो लगातार चलाते हुए हमें डो को पकाना है। देखिए, काफ़ी अच्छे से डो हमारा थिक हो गया है, एकदम पैन छोड़ने लगा है मिठाई बनाने के लिए। डो हमारा तैयार हो चुका है, तो इसे ठंडा होने के लिए, सेट होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मिठाई को सेट करने के लिए एक थाली में थोड़ा सा देसी घी डालकर अच्छे से ग्रीस कर लेना है। अब जो डो बना कर लिया है मिठाई का, इस पर डालकर अच्छे से फैला देंगे। देखिए, डो हमारा अच्छे से सेट करके हमें रख देना है, जब तक कि अच्छे से मिठाई जम ना जाए। ये देखिए, स्पून से अच्छे से सेट कर देंगे। यहाँ हमने कटोरी ली है, कटोरी से क्या होगा, मिठाई एकदम अच्छे सेट हो जाएगी, इसमें ज़्यादा मेहनत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, मिठाई अच्छे से सेट हो चुकी है, अब इसे हमें ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। देखिए, मिठाई को हमने अच्छे से ठंडा कर लिया, अब ये अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसके पीसेस कट कर लेंगे। यहाँ हम इसे काजू कतली की शेप में कट करेंगे। आप इसे जैसा भी कट करना चाहें उस हिसाब से कट कर सकते हैं। देखिए, आपको इसके पीसेस दिखाते हैं, कितनी बढ़िया बर्फी हमारी बनकर तैयार हुई है, बहुत ही सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली। इसका टेक्सचर देखिए, कितनी नरम मुलायम सूजी की बर्फी बनी है, बहुत ही कम सामान में एकदम से झटपट, बिल्कुल मार्केट के जैसी जो काजू कतली की बर्फी बनती है, बिल्कुल वैसी ही बर्फी बनकर तैयार हुई है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।